हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लेक्चर नंबर 6 आज स्टार्ट कर रहे हैं गाइस हम लोग। तो लेक्चर नंबर 6 में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आज कुछ ओवरव्यू बता देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का हमने स्केलर फॉर्म पढ़ लिया, जिसमें कि हमने देखा एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्यों क्लियर है ना बच्चों? एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने देख लिया। देन इसके बाद जी की वैल्यू मैंने बता दी कि जी जो होता है वो एक थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है और ये कभी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कभी कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मासेस कहीं पे भी हो उनके बीच में एक कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स लगेगा, चाहे उनके बीच में आप पानी भर दो या कुछ भी रख दो, वो कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि दो प्लैनेट के बीच में लगने वाला फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन वाटर का रेशियो क्या है, बोलो आंसर कितना आएगा? 1:1, क्योंकि भाई कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो आंसर कितना आएगा? 1:1। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है वेक्टर फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, याद आ गया ना आपको, जिसमें वेक्टर फॉर्म में मैंने R12 और R21 वेक्टर की ये डेरिवेशंस मैंने आपको बताया कि F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ओके वो R21 के अपोजिट लगेगा बिकॉज R21 2 से लेके 1 की तरफ जाएगा और 1 से लेके 2 का वेक्टर इधर की तरफ ओरिएंटेड है, वो 1 से लेके 2 का वेक्टर इधर की तरफ ओरिएंटेड है। तो ज़्यादा परेशान मत हो, आप इसको कॉपी में बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि F12 और F21 दोनों के मैंने डेरिवेशन कराए थे। यदि आपको भूल गया तो मैं याद दिला देता हूँ, ये है मास नंबर 1 और ये है मास नंबर 2। मास नंबर 1 पर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 2 ये यहाँ था, फोर्स ऑन मास ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2, याद आ गया। और ये क्या था? दिस इज फोर्स ऑन मास ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो भी करते थे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर हो गया। देन इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि ग्रेविटेशन फोर्सेस आ सेंट्रल फोर्स होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एक्ट उसी तरफ एक्ट करते हैं ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, ओके याद आ गया। द ग्रेविटेशन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैंने बताया था कि इसके अधीन जो काम होता है, इसके फोर्सेस के एक्शन में जो काम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंड इसके बाद मैंने बताया था कि लॉ ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस की किसी एक पॉइंट पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के इक्वल होता है, याद आ गया आपको। देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कराई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन मैंने आपको निकाल करके दे दिया, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू सरफेस पर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यदि मास की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मास को यदि मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो जी का वैल्यू आ जाती 4/3 πρ g r, रेडियस के टर्म में। यदि मैं मास को रख देता हूँ कितना, 4/3 πr³ इंटू रो, बिकॉज मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के टर्म का फॉर्मूला आ गया 4/3 πρ g r। क्लियर है आपको? चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला कब तक लगेगा। हाँ, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो सब जानते हो, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ओके। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जो आपने देखा फॉर्मूला किसी प्लैनेट पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने जी निकाला, अर्थ पे इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये उस प्लैनेट पर डिपेंड कर रहा है जिस पर आप निकाल रहे हो, जो है वो तो कैंसिल हो ही चुका, आपने देख लिया था ना, कैंसिल हो गया था। देखिए एम से एम क्या हो चुका था, कैंसिल, मतलब कि जिस मास की बात कर रहे हो, जिस मास पर आप ग्रेविटी निकाल रहे हो, वो रखे हुए मास पर डिपेंड नहीं करता है, कि जिस प्लैनेट पर है उस पर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? मतलब उस मास से इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बट डिपेंड ऑन द मास रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। या प्लैनेट की बात करोगे तो प्लैनेट, अगर अर्थ को ले रहे हो तो अर्थ की बात कर रहे हो। नाउ वेरिएशन ऑफ, हमने पढ़ा है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कितना होता है, तो आपने देखा ऊपर जाने पर जो वेरिएशन होता है, जी डेस इक्वल टू 1 - 2h/r, एक बढ़िया डेरिवेशन था, आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, ओके। और मैं आपको बता दिया था कि कितनी दूर तक आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, कितनी दूर तक आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। देखिए 5% वेरिएशन ग्रेविटी में केवल 320 किलोमीटर होता है, समझ रहे हैं आप? मतलब 320 किलोमीटर तक कितना वेरिएशन होता है, 5%। हाँ, अगर 5% के ऊपर जा रहे हैं तो वेरिएशन सिग्निफिकेंट है, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। 320 किलोमीटर के ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा जो मैंने आपको बताया था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें यदि डिस्टेंस आप वेरी करके अर्थ के भी ऊपर ले जाएंगे, यदि आप आर प्लस एच कर देंगे इसको, तो स्मॉल आर काउंट होगा, कितना, आर प्लस
एच। फिर फॉर्मूला ग्रेविटी का जो लगेगा वो रहेगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, मीन्स आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये बात आपको बताना जरूरी थी कि अगर आप 5% वेरिएशन के अंदर है, 320 किलोमीटर में ही 5% का फर्क आएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब एरोप्लेन 11 किलोमीटर की हाइट तक उड़ता है तो कोई खास वेरिएशन नहीं आता है। जब आप 320 किलोमीटर पे जाएंगे तब भाई साहब कितने का फर्क आएगा, 5% का, समझ रहे हैं। अब 320 पर स्पेस स्टेशन है अपना, है ना, और कम में है, 160-175 किलोमीटर के आसपास स्पेस स्टेशन जो नासा का घूम रहा है भाई साहब वो है, नासा का नहीं स्पेस स्टेशन, सॉरी स्पेस स्टेशन सारी मतलब स्पेस एजेंसी को मिला करके, है ना, उसमें रशियन एजेंसी भी है, जर्मनी की एजेंसी भी है, सब लोगों ने मिला करके अपने अपने कुछ पार्ट शेयर करे हैं, फिर जा करके क्या बना है स्पेस स्टेशन, ठीक है ना जी। चलिए खैर, तो बात करते हैं, अब इसके बाद आते हैं डेप्थ पर, बात करते हैं कि डेप्थ पर क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, जी डैश इक्वल टू 1 - d / r, याद है कि भूल गए बच्चों, याद है ना। हाँ, और अगर आप नीचे चले जाते हैं डेप्थ को, गड्ढा खोद करके कितना घुस गए, गहराई कितनी रेडियस के इक्वल, तो भैया ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जीरो, जी डैश इक्वल टू जीरो, क्लियर हो गया ना। रेट ऑफ डिक्रीज आउटसाइड द अर्थ जोर से होता, मतलब बाहर जाने पर ग्रेविटी जोर से घटती है, क्लियर हो गया ना, बाहर जाने पर जोर से घटती है विद कंपैरिजन टू अंदर जाने पर। देन इसके बाद मैंने बताया ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसमें मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ का ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन के बाद ये वाला मेथड मत करिएगा, मैंने आपको मना कर दिया है, आपको करना है इस वाले मेथड से, ठीक ना। क्या होता है यहाँ पर, आर डिस्टेंस पर आपके पास पार्टिकल एम है, मान लो आप खड़े हुए, आपका मास कितना है एम, तो आप पर एम की तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो भैया इसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, एम आर स्क्वायर कॉस लैम्डा, क्योंकि ये एंगल लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, यस और नो, है ना, एंगल ऑफ लैटिट्यूड और ओके और फिर इसके बाद में ये लैम्डा और ये साइन लैम्डा वाला कंपोनेंट हो चुका है। तो ग्रेविटी जो नेट एक्सलेशन डेवलप होगा वो कितना होगा, एम जी माइनस एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, यस, याद आ गया आपको। तो ये देखिए जो नेट एक्सेलेशन आपका एम जी लैम्डा मैंने कर दिया इसको, आप इसको एम जी डैश भी मान सकते हैं, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो एम से एम कैंसिल कर दिया, सो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। कहाँ से आ गया, आर की वैल्यू आर कॉस लैम्डा आई थी, याद है आप लोग को, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है पक्का ना। चलिए सो अब मैंने ये भी करा दिया था कि लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर, इक्वेटर पर 0 डिग्री रखने पर पोल पर कोई चेंज नहीं होगा, पोल पर स्पीड का कोई वेरिएशन नहीं होगा, याद है आप लोग को, ओके। डेंसिटी और ये तो याद रखने वाली बात है, फिर मास और वेट का मैंने आपको कंपैरिजन पढ़ा दिया, क्लियर है ना, मास और वेट का कंपैरिजन सारा। चलिए अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड का मैंने बताया आपको, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास और फोर्स पर यूनिट मास का डेरिवेशन ये आ गया, ओके, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कन्फर्म है, जोर आवाज में बोलो, कन्फर्म है ना, हाँ बिल्कुल। और इसके बाद यदि इसकी वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो देखिए ये अंदर की ओर आ रहा है, रेडियस अंदर की ओर आ रहा है, तो यदि बाहर का मैं रेडियस का वेक्टर आर कैप लूंगा तो अंदर के रेडियस का वेक्टर क्या लूंगा, बोलिए, माइनस आर कैप। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये इंटेंसिटी का वैक्टर आप लोग को क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ तक मैंने बता दिया था, ये इंटेंसिटी के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि इंटेंसिटी, कल मैंने इसका नाम ई दिया था, क्या नाम दिया था, ई दिया था, बट मैंने साथ ही साथ बताया था इसका नाम ई भी होता है, इसका नाम क्या होता है, आई भी होता है ना, तो आप भूलेंगे नहीं, ई के साथ साथ क्या होता है, आई भी होता है। सो आई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू इंटेंसिटी, मास इंटू इंटेंसिटी, जहां इंटेंसिटी जाएगी वहीं क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मतलब सेंटर की तरफ बॉडी के अंदर की तरफ। चलिए क्लियर हो गया, हाँ, इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूले में आर स्क्वायर अपॉन में आता है और आर को इन्फिनिटी रख दोगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंटेंसिटी का क्या बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी, आई नेट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आई फोर, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, चलिए बन जाएगा ना, यस। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, अगर बात करते हो आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, अगर पार्टिकल बाहर है, पार्टिकल बाहर है, किसके बाहर, अर्थ की रेडियस के, और जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों के फॉर्मूले सेम हुए कि नहीं हुए, यस और नो, दोनों के फॉर्मूले क्या हुए,
सेम हुए, मगर फीलिंग दोनों की अलग अलग है। इंटेंसिटी जो है वो है मास पर यूनिट एक्ट, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वो एक्सलेशन है जिससे अर्थ का सेंटर या किसी भी प्लैनेट का सेंटर किसी ऑब्जेक्ट को, सरफेस में रखे हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, वो एक्सलेशन कहलाता है। क्लियर है ना? मगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है दोनों की वैल्यू? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए आइए देखते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के कारण मैं आपको इंटेंसिटी बता देता हूँ। देखिए याद रखिएगा मेरी बात है, अब याद रखिएगा, मैंने बताया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी, हाँ या ना? और यदि इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो मास भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। याद है? क्लियर? तो याद करिए, मैंने आपको बताया था आउटसाइड द स्फीयर सॉलिड एंड स्फेरिकल शेल, ये मैंने पहली क्लास में आपको डिटेल में बताया था, पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉलिड बॉडी के लिए, ये देखिए कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, ये देखिए यूनिफॉर्म सॉलिड पूरा भरा हुआ है, ये सुनो। तो सॉलिड स्फेयर के लिए क्या ट्रीट करोगे? पॉइंट मास। क्या ट्रीट करोगे? पॉइंट मास। और बाहर की रेडियस स्मॉल आर, बाहर की रेडियस स्मॉल आर, जो इसकी खुद की रेडियस से ज़्यादा है, खुद की रेडियस से ज़्यादा है, तो भैया पॉइंट मास ट्रीट हो जाएगा। और इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी बोलो, कन्फर्म है कि नहीं है? कन्फर्म है? नहीं है कन्फर्म। तो देखो भाई मैं कन्फर्म कर देता हूँ इसको, क्या कह रहा हूँ मैं, ये मैं कह रहा हूँ कि आप जानते हो कि एक पॉइंट मास के कारण जो इंटेंसिटी होती है भाई आर डिस्टेंस पर, वो कितनी होती बोलो? कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह ना ले करके मैंने एक मासे बॉडी ले ली, एक गोला ले लिया भरा हुआ, बोलो ये सुनो, और जिसका कि जो अब मैं निकाल रहा हूँ इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर, तो मैंने आपको जिस दिन पहली क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि ये एज अ सेंटर ऑफ मास इसको ट्रीट करोगे, याद है? इसका पूरा मास किस पे मानोगे? आर रेडियस पे, है ना, इसके सेंटर पे मानोगे। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो सेम आएगी, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि इसको पॉइंट को आप अंदर करते 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 यहाँ पर ले आओ, कहाँ पर ले आओ? यहाँ पर, ये जो कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बोलो, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, यहाँ स्मॉल आर होना था, क्या होना था? स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर क्या होता है बेटा? मेन रेडियस प्लस उससे थोड़ा सा ज्यादा, आर प्लस एच। और यहां पर हो गया कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के ऊपर आ चुका है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये बात मैंने आपको बता रखी थी। अब देखिए, अगर स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल यानी खोखला गोला, क्या है? खोखला गोला, बोलिए हाँ ना, खोखला गोला होगा तो आपको पता था अंदर फोर्स जीरो होता है। अंदर फोर्स क्या होता है? अब मैंने लास्ट क्लास में इंटेंसिटी भी तो बता दी कि एक यहां खींचेगा तो एक यहां खींचेगा तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो अंदर इंटेंसिटी तो जीरो होगी इनसाइड द सरफेस, बट बाहर कितनी होगी बोलो? बाहर कितनी होगी बोलो? जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। सरफेस पे कितनी होगी? कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और इसमें भी ऑन द सरफेस सेम होगी कि नहीं होगी? याद है, ऑन द सरफेस क्या होगी? सेम होगी। अब इनसाइड द सरफेस कुछ याद कीजिए, इनसाइड द सरफेस मैंने उस दिन फोर्स कितना निकलवाया था? इनसाइड द सरफेस फोर्स कितना आया था बोलो? जी, याद है कुछ? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, याद आया? यही थी, भूल गए क्या? भूलने को यसर बोल रहे हो कि याद आने को यसर बोल रहे हो? याद आने को यसर बोल रहे हो, थैंक यू। तो भाई साहब अब आपको पता है कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ फोर्स में मास का डिवाइड किया, यहाँ भी, तो यहाँ भी मास का, तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया भैया डेरिवेशन आपका? एफ अपॉन एम इंटेंसिटी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर का क्यूब, याद आ गया? तो ये है इंटेंसिटी एक सॉलिड गोले के कारण, एक सॉलिड गोले के कारण, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर के कारण आपकी इंटेंसिटी ये बनेगी। और अगर बात करोगे खोखले गोले में तो इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। ये भी मैंने डिराइव कराया था, है ना, खोखले गोले के अंदर फोर्स कितना होता है? जीरो, यस और नो, है ना। जिसके अंदर ये रेडियस ली जाती है, एक मास लिया जाता है इसका, तो इसका मास कुछ बनता ही नहीं है, तो इसका कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर? अब मैं यदि दोनों के ग्राफ बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों के ग्राफ देखिए आप, बहुत मस्त ग्राफ हैं इसके। अंदर से जब तक आप रेडियस पर नहीं पहुंचे थे तो अंदर ये जो इंटेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। देख लो ध्यान से, आई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है कि नहीं है? क्योंकि भाई जी कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या? आर। तो आर के सीधी पावर वन, तो वन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये देखो आर के प्रोपोर्शनल, बोलिए हाँ हो गया। इसके बाद बाहर क्या होगी? मैक्सिमम। बाहर क्या होगी? मैक्सिमम। बढ़ते 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 देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, हो गई ठीक ना। ये इंटेंसिटी जो है आर के साथ वेरी होती है। फिर इसके बाद आप देखिए ऊपर आर के प्रोपोर्शनल थी, अधिकतम हो गई, क्या हो गई? अधिकतम,
क्या हो गई, अधिकतम। क्यों हो गई अधिकतम, देख लो यार, इंटेंसिटी आपने निकाली कितनी, जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर का क्यूब। जैसे ही आपने स्मॉल आर की वैल्यू सरफेस पर पहुंच गए, तो सरफेस पर स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो रख दो यार, तो जी एम आपने कहा सर कैपिटल आर रख दो, रख दिया, अपॉन आर का क्यूब, एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर बच गया। ये देखो ये सेंटर, ये थी क्या सरफेस पे, क्या थी ये सरफेस पे। अब मुझे बताओ उसके बाहर जा रहे हो तो आर का वेरिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, और कैसे घटेगी, स्क्वायरिक फॉर्म से बढ़ेगी, मतलब पैराबोलिक फॉर्म से घटेगी, है ना। तो ग्राफ देखा आपने, पहले बढ़ी, बोलो हाँ, फिर मैक्सिमम हो गई एक पॉइंट पर, फिर क्या होना, घटना शुरू हो जाएगी, और भैया इन्फिनिटी पर जाके कितनी हो जाएगी, जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो। अब ये देखिए सॉलिड स्फीयर का, ये सॉरी ये तो सॉलिड का था, अब होलो का देख लो, किसका देख लो, होलो का, बोलो सेंटर पे कितनी, और आगे कितनी, और आगे कितनी, जैसे ही रेडियस पे पहुंचे तो इंटेंसिटी बढ़ करके हो गई कितनी, वही वाली कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, बोलिए यस कि नो, ये वाली पहुंच गई। और जैसे ही अब आप रेडियस बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, रेडियस, तो ये वाला फॉर्मूला लगने का लगेगा, ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। तो भैया इंटेंसिटी बोलो बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, कैसे भाई साहब, आर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ाओगे तो ये कम नहीं होगा बेटा, तो इसलिए पैराबोलिक फॉर्म में कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। और जब भी कोई चीज इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए ना, तो अगर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो पैराबोला उठता, और अगर आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला नीचे बैठेगा, समझ गए। आर स्क्वायर मतलब पैराबोला, क्वाड्रेटिक में आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी स्क्वायरिक वेरिएबल आए तो कैसा पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर, सारी चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब अगली चीज आ रही है, आज का नया टॉपिक, ये सब पुराना था, आपको मैंने सब पढ़ा दिया था, एक बार मैंने रिकॉल कराया, मैंने ये सब पुराना पढ़ा हुआ था। अब मैं आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये थोड़ा सा टॉपिक दमदार है, तो आज की टॉपिक का क्लास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में आपने क्या देखा, समझना भाई साहब, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में आपने क्या देखा कि कोई प्लैनेट है जिसका मास है कैपिटल एम, और उसके कारण एक हर पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फोर्स लगता है, बोल लगता कि नहीं लगता है, इस पर ज्यादा लगेगा, ये एफ वन है, ये एफ टू है, ये एफ थ्री है, ये एफ फोर है, ये एफ फाइव है, इन पर पर्टिकुलरली फोर्स लगता है इस प्लैनेट के कारण। तो मैंने हर प्लैनेट पर, मतलब मैंने क्या रखा, यूनिट मास, क्या रखा, यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, आई इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, बोलिए यस ऑर नो, यूनिट मास, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स मास है, क्या ये सोर्स मास, इसकी जगह अब मान लो आप एक शेर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, लाइन बैठा हुआ है, अभी तक आप फोर्स निकाल रहे थे, अब आप एनर्जी निकालोगे। अब ये कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, एक दो तीन चार कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, बोलिए ऐसा नो, अर्थ को मैंने शेयर मान लिया है, ठीक है ना, चार पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो चार पॉइंट पर एनर्जी चारों पर अलग अलग फील होगी, शेयर के सामने मान लो आप हो तो चारों पर एनर्जी सेम फील होगी कि अलग अलग फील होगी, बोलो अलग अलग। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी, ई वन पे, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है, जान छुड़ा के भागोगे इतनी जोर से, समझ गए ना, जितना जिंदगी में ना दौड़े होगे उतनी तेज से दौड़ोगे भागने के लिए, क्योंकि शेर सामने बैठा हुआ, बोले ऐसा नो। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक ना, और आप कौन हो, आप हो यूनिट मास, कौन हो आप, यूनिट मास। तो यूनिट मास जो एनर्जी रियलाइज करता है, द एनर्जी रियलाइज बाई यूनिट मास इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, द एनर्जी रियलाइज्ड बाय या कंटेन्ड बाय या ऑक्यूपाइड बाय रियल यूनिट मास एनर्जी डिवाइड बाय यूनिट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और बेटा दुनिया में दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक जो आपको आकर्षित करती है और एक जो प्रतिकर्षित करती है, मतलब एक जो अट्रैक्टिव नेचर की होती है और एक जो डिस्ट्रक्टिव, नहीं बेटा रिपल्सिव नेचर की एनर्जी, समझ गए ना। तो अट्रैक्टिव नेचर की एनर्जी बेटा हमेशा निगेटिव मानी जाती है, निगेटिव मतलब जो आपको बांध करके चले, क्या, कौन सी एनर्जी,
बांध करके चले। समझ में आ गया ना? तो आप देखिए ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। और चांद इसकी गुलामी कर रहा है, मून इसकी क्या कर रहा है? गुलामी। मून इसकी क्यों गुलामी कर रहा है? क्योंकि मून को इसने एक एनर्जी से बांध रखा है, एक एनर्जी से बांध रखा है, वही है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया मैंने आपको, एनर्जी रियलाइज्ड बाय यूनिट मास, यूनिट मास। तो बेटा इसका, इसको वी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इससे नोट करते हैं वी से, और इसकी वैल्यू होती है बेटा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। ये अगर अर्थ की बात कर रहे हो तो मास ऑफ अर्थ, और एक निगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसा होता है? निगेटिव। ग्रेविटेशन का क्या होता है? निगेटिव होता है, एक कभी रिपल्सिव नेचर नहीं होती, किसी को भी भगाती नहीं है, सबको क्या करती है? खींचती है। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा अर्थ का? निगेटिव। सब प्लैनेट का क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब ये जो एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की है, तो ये माइनस जी एम ई अपॉन आर। याद करने का तरीका, ई आपने क्या पढ़ा? ई यानी कि इंटेंसिटी ग्रेविटेशन, माइनस जी कैपिटल एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, यही था। अब एक आर कम कर दो, मतलब ये समझ लो एक आर यहाँ से क्या कर दो, कम कर दो, तो ई की जगह क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एनर्जी रियलाइज्ड बाई यूनिट मास, एनर्जी रियलाइज्ड बाई यूनिट मास, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी विद अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। वाह भाई साहब, बहुत शानदार बात कर दी आपने। इन्होंने इस डेरिवेशन को बनाने के लिए कह दिया है, आइए देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, कैसे कौन एनर्जी रियलाइज करेगा। अब इसको समझिए, ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है भैया? अर्थ है। और ये वो जगह है जहां पर हमको किसी मास को लेकर के आना है, हमको इस पॉइंट पर निकालनी है एनर्जी। क्या निकालनी है? एनर्जी। मैंने इन्फिनिटी पर गया, इन्फिनिटी पर अर्थ का तो फील्ड ही नहीं था ना, बोलो हाँ। बब्बर शेर यहां बैठा है, यहां तो नहीं बैठा ना, तो इन्फिनिटी पर बताओ एनर्जी लेवल कितना था? जीरो। अब मैं इन्फिनिटी से पकड़ करके लाया, बोलो जी हाँ, है ना, और यहां पर ला करके बिठा दिया, यहां पर ला करके बिठा दिया, बोलो यस कि नो। मुझे इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो जी यस और नो। क्योंकि चलते 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 जैसे मैं इसके फील्ड के अंदर घुसूंगा, झपाक से मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यस कि नो? तो ये जो वर्क है, ये जो क्या है? वर्क है। इसी वर्क को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी मास को फील्ड के अंदर लाके रखने में किया गया काम कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मास को। बट मैं यदि कह दूं पर यूनिट मास को, मतलब यूनिट मास के लिए, तो वो टर्म क्या बन जाएगा? वो जो डब्ल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में। मतलब मास के लिए क्या चलेगा? वर्क। और यूनिट मास के लिए क्या चलेगा? बोलो भाई, पोटेंशियल। यूनिट मास के लिए क्या चलेगा? पोटेंशियल। जैसे कल तक था, अगर आप किसी पार्टिकल पे बात कर रहे हो तो फोर्स लग रहा है, और वही यदि आप फोर्स पर यूनिट मास कर दोगे तो क्या था? इंटेंसिटी। इसी तरीके से अगर आप किसी मास की बात कर रहे हो तो वर्क है या एनर्जी है? एनर्जी। वर्क है या एनर्जी है। बट यदि पर यूनिट मास की बात करोगे तो क्या बन जाएगा? वो पोटेंशियल। समझ गए? क्लियर हो गया? मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम? हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट मास को, यूनिट मास को इन्फिनाइट से लेकर के फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ता है, वही क्या होती है? उसकी एनर्जी। चलो नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो मैं तुमको बताता हूँ, एक और तरीका है। ये आपके पास एक खुली स्प्रिंग डली हुई है, बोलो जी हाँ या ना। ये आपके पास एक खुली स्प्रिंग डली हुई है, आप यहां पर हो, आप इसके लिए इंफिनिटी में ना हो। अभी आपने ये बताओ इस पे, स्प्रिंग पे कितना काम किया? कुछ नहीं। अब आप आए 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 आए, ये इसकी फील्ड में आ गए, आप आ गए और धक्का देना शुरू किया, हाँ आ गए। अब मैं बोलूंगा ये बताओ कि इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, तो इसका दूसरा तरीका क्या हुआ? जितना आपने वर्क किया इसको खसकाने में, उसी ने उतना ही तो स्टोर किया ना। मतलब आपका काम ही तो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताओ जोर से, आपका काम ही तो स्टोर हुआ है। मतलब आपका वर्क जो है वही तो क्या है? एनर्जी। बोलिए यस। तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए? सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनर्जी। फिर उसमें किसका डिवाइड कर देंगे? मास का डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगी? एनर्जी पर यूनिट मास, या वर्क डन पर यूनिट मास। समझ रहे हो? यस।
उड़ ना जाए। वर्क डन पर यूनिट मास को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हो गया? जैसे कल बोल रहे थे इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास को हम बोलते थे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ऐसे ही एनर्जी पर यूनिट मास को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक फॉर्मूला यहां से भी आया था, याद करो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू इंटेंसिटी। सो यहां से वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू मास, याद आ गया? वहां पे फोर्स इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू मास, तो यहां पे क्या, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू मास। क्लियर है कि नॉट क्लियर? तैयार है डेरिवेशन के लिए? इंटेंसिटी को, सॉरी, पोटेंशियल निकालने के लिए तैयार हो? बोलो हाँ या ना। तो कहाँ चले पोटेंशियल निकालने के लिए? बोलो, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं चलेंगे, इन्फिनाइट पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट से किसको लेकर के आएंगे? मास को। क्या लेकर के आएंगे? मास को। और क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क। क्या कैलकुलेट करेंगे? और वर्क। और फाइनली जब वर्क कैलकुलेट हो जाएगा तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर देंगे? बोलो, पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क पर यूनिट मास। हाँ या ना? और ये आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। हाँ या ना? क्योंकि अर्थ जो होती है वो खींचती है। अर्थ क्या करती है? खींचती है। तो इसका अट्रैक्टिव नेचर है, तो इसके लिए पोटेंशियल निगेटिव आएगा। चलो भाई साहब, सो देखो डेफिनेशन, देखिए बहुत ही काम की डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलेशन। मतलब आराम आराम से। एक्सलेशन मतलब आराम आराम से, है ना? चलो, क्लियर है कि नॉट क्लियर? स्टार्ट है, स्टार्ट करें। सो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट मास, बोलो यस और नो। तो माइनस, अब आप लोग सब लोग जाने, माइनस को बाहर लान दो। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डी एस, याद है कुछ? एफ डॉट डी एस होता है कि नहीं होता है? एफ डॉट डी एस। अब ये देखिए, ये अपने पास में अर्थ बैठी हुई है, बोलो हाँ या ना? आप इस पॉइंट से स्क्वायर को लेकर के आ रहे हो, क्लियर है ना? तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आर। कितनी डिस्टेंस होगी? आर। तो आपने यहां, सपोज यहां एक पार्टिकल को यहां से यहां लेकर के आए हो, तो इतने तक का वर्क कितना होगा? डी डब्ल्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा गैप क्या कहलाएगा? डी आर। क्या कहलाएगा? डी आर। तो यहां आप इसको ला रहे हो, इधर आप इसको ला रहे हो, तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ। कितना लग रहा है? एफ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स के इंपैक्ट में आपने डी आर लगाया है, डिस्प्लेसमेंट। सो फो वर्क डन इज इक्वल टू होता कितना? एफ डॉट, याद है कि नहीं याद है? याद कर लो भैया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। कितना पढ़ाया हूं मैं, याद है? यस और नो? तो इंटीग्रेशन कर देता तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? एफ इंटू डी एक्स। तो एफ इंटू डी आर कर दिया, क्योंकि यहां पे रेडियस बदल रही, अपॉन कितना? ये वाला एम। बोलो यस और नो? एफ अपॉन एम। फोर्स अपॉन मास को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। फोर्स अपॉन मास को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। लिमिट कितनी चलेगी? बोलो, कहां से चले थे और किस डिस्टेंस पर पहुंचना है? आर तक। कहां तक पहुंचना है? आर तक। बेटा रेडियस नहीं है, रेडियस कैपिटल आर होती। रेडियस क्या होती? कैपिटल आर। कोई रैंडम डिस्टेंस है आर, है? बाद में हम निकाल लेंगे, रेडियस पे कहोगे तो यहां लग देंगे आर, कोई बात नहीं। तो इंटेंसिटी चले थे इंफिनिटी से, कहां तक आना है? आर तक। बोलिए यस। चलिए, माइनस हो गया। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वो भी किसमें होती? निगेटिव में। हाँ या ना? तो माइनस जी एम, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो जी कैपिटल एम बाहर हो गया कि नहीं हुआ? और वन अपॉन आर बन गया कि नहीं बना? वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर, पक्की बात। तो जी एम बाहर है, बोलिए हाँ। इंटीग्रेशन में क्या हो गया? आर की पावर माइनस टू, आर की पावर माइनस टू। तो यहाँ पे जी एम छोड़िए, इंटीग्रेशन क्या होता है? आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, मतलब जी एम इन टू आर की पावर माइनस वन हो जाएगा, और नीचे माइनस आएगा तो माइनस वन बाई आर। कितना आ गया? बोलो, जी एम इन टू माइनस वन बाई आर। ये सो नो, माइनस साइन को बाहर ले लो, तो कितना हो गया? माइनस जी एम इन टू वन बाई आर। आर की लिमिट बोलो कितनी है? जीरो टू इन, सॉरी, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। पुट करिए, बोलिए माइनस जी एम बाहर का ठीक है कि नहीं है? अपर लिमिट कितनी है? आर। तो आर की जगह आर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? वन अपॉन इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? तो कितना हो गया? माइनस जी एम इन टू वन अपॉन आर, इट मीन्स माइनस जी एम बाई आर, ठीक है ना? अब ओम बाबू चाहते थे कि सर हम अर्थ की रेडियस पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल आकर के यहाँ पे। तो आर की जगह क्या पुट कर दो? कैपिटल
आर, तो आंसर आ जाएगा वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ये है पोटेंशियल ऑन द अर्थ सरफेस, पोटेंशियल ऑन द, और दुनिया की बात करोगे तो माइनस जी एम अपॉन आर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से, पक्की बात ना, और चिंता की बात नहीं, इसको अभी डिराइव करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। ये तो मैंने बड़ी स्पीड में बता दिया क्योंकि आप लोग परम विद्वान हो चुके हैं, समझ गए ना, इसलिए मैंने आपको बड़ी स्पीड में बता दिया है, बट आप इसको करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं, आर की जगह इन्फिनिटी रख दो, ये बच्चों वाली बात कर दी सर जी ने, आर की जगह इन्फिनिटी रखोगे सब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना जीरो, तो मतलब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है जीरो। बोलो हाँ या ना, सोचोगे भी ना, सीधे बब्बर शेर का ख्याल करोगे कि सर इन्फिनिटी में बैठा दोगे तो बब्बर शेर से डर लगेगा क्या, नहीं। तो फोर्स कितना, फील्ड कितना, बिल्कुल सही ना, फोर्स कितना जीरो, फील्ड भी कितना, पोटेंशियल भी कितना, सब कुछ जीरो भाई, इन्फिनिटी पे हो आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। बोलो आ गया समझ में ना, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी पर। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि भैया तुम यहाँ पे हो जीरो हो, और इधर जैसे आते हो तो क्या हो जाते हो निगेटिव, क्या हो जाते हो निगेटिव, तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ जीरो की निगेटिव, जीरो हुआ ना, तो इसलिए जीरो मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बताइए मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां पर होता है, ऑप्शन इन्फिनिटी पर, अर्थ की रेडियस पर, अर्थ के सेंटर पर, है ना, आंसर बोलिए कहां पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है जीरो, और वही मैक्सिमम होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव होता है ना यार। बोलो हाँ या ना, क्लियर ना, बुरी संगत में नहीं फंसे थे, निगेटिव एनर्जी मतलब बुरी संगत, बोलो हाँ या ना, एक दिन बुरी संगत, कुछ नहीं बुरी संगत में नहीं फंसे थे, बहुत दूर थे, कुछ जानते आनते नहीं थे, तो वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी थी जीरो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना था जीरो, फिर संगत में आ गए, बोलो हाँ या ना, बीड़ी बीड़ी पीना शुरू कर दी, बोलो हाँ या ना, राजश्री विमल खाना जुआ केसरी शुरू कर दिया, बोलो या सन्नो, तो निगेटिव में पहुँच गए कि पॉजिटिव में पहुँच गए, निगेटिव में, तो घर वाले आपको बोलेंगे वो जैसा था भैया जीरो था मगर वही अच्छा था, बोलो या सन्नो, तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है जीरो होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, भले जीरो है मगर निगेटिव से तो अच्छा है, हाँ या ना, ठीक है चलो। तो ये हो गया, इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, बोलो V इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास, बोलो एनर्जी को किस में नापते हैं जूल में, और मास को केजी में, के लीटर में, केजी में, बिल्कुल सही, तो आंसर जूल पर केजी, जूल पर केजी, डायमेंशन फार्मूला बना लेना भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा कि V का जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है वो कितना हो रहा है आई डॉट डी आर, ये देखो यहाँ से आया था, ये देखिए V का फॉर्मूला आई डॉट डी आर निकला था कि नहीं निकला था, क्योंकि फोर्स में मास का डिवाइड हो गया था, V का फॉर्मूला कितना निकला था आई डॉट डी आर, पक्की बात, तो V इज इक्वल टू होता आई डॉट डी आर, तो मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू आई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन, पक्की बात। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, लियो अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दिया V का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर, बोलो ये सानो इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा ना, डी बाई डी आर, डी बाई डी आर, और इंटीग्रेशन किसका I का डी आर के साथ, बोलो हाँ है ना, आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, बेटा ये बैठा है डिफरेंशिएशन और ये बैठा है क्या इंटीग्रेशन, तो बचा क्या बाहर डी वी बाई डी आर इक्वल टू कितना आई, समझ में आ गया। तो ये है रिलेशन किस में इंटेंसिटी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, कोई दिक्कत बन जाएगा कि नहीं बनेगा। सो बच्चों यहाँ पे एक माइनस साइन था, माइनस आई डॉट डी आर इस वजह से आ जाता है, है ना, वो माइनस साइन लेकर के माइनस आ जाएगा, उसका कोई खास यूज़ नहीं है, तो बस याद रखिएगा एक छोटी सी, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको मिल जाएगा, इसमें हम ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। चलिए ये हो चुकी है बात, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या पढ़ी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं भाई साहब आर है कि नहीं है। चलो ये अपना E अपना गोला है, हाँ या ना, और दो रेडियस हैं भाई साहब, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो रेडियस हैं, ये एक इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है बेटा B, बोलो हाँ, यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी आर ए, यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी आर बी, बोलो या सुनो, हमको निकालना है VB माइनस VA, VB माइनस
वी ए। देखो अब अच्छे से समझना, जब क्वेश्चन में देखोगे कि वी ए माइनस वी बी बोला गया है कि वी बी माइनस वी ए बोला गया है, ध्यान से देखो वी बी का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, और वी ए का पोटेंशियल क्या होगा, कम, मतलब इस पॉइंट पर कम होगा और इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा। तो वी बी माइनस कितना, वी ए, हाँ, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, पुट कर दो बेटा वी बी की वैल्यू क्या होगी, बोलो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर बी, बोलिए हाँ या ना, और माइनस ये वाला बोलो यस, ठीक है, और वी ए की वैल्यू रख रहा हूँ, देखो घबराहट होगी, माइनस जी एम अपॉन आर ए, आया कि नहीं आया। अब मैं माइनस साइन यदि कॉमन ले लूँ, माइनस साइन क्या ले लिया मैंने, कॉमन, यदि माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो माइनस साइन कॉमन लेने पर यहाँ पे कितना बचेगा, जी एम अपॉन आर बी, माइनस ये माइनस कॉमन हो गया तो एक माइनस तो बचेगा, और जी एम अपॉन आर ए, आ गया समझ में, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ, बोलो जल्दी जल्दी कहां पर दिक्कत है, सही से बताओ, आ गया। अगला है पॉइंट सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भैया अपने पास है एक पॉइंट मास स्मॉल m, ये पॉइंट है जिस पर हमको पोटेंशियल निकालना है, एक मास बैठा है m1, एक मास बैठा है m2, एक मास बैठा है m3, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है r1। तो मैं पूछूंगा तुमसे भाई आरुष मेरे को बताओ कि इस पॉइंट का इस पर पोटेंशियल कितना होगा आर वन डिस्टेंस के कारण, तुम बता सकते हो सर, वेरी सिंपल, माइनस जी कैपिटल एम वन, बोलो हाँ, अपॉन डिस्टेंस कितनी आर वन, इसको बोलोगे वी वन, क्या बोलोगे इसको, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा वी टू, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा वी थ्री, हाँ या ना, और पोटेंशियल क्या होती है एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी जिस स्केलर क्वांटिटी हो, तो नेट पोटेंशियल जो होगा वी ई सॉरी वी नेट इक्वल्स टू क्या होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, जितने पार्टिकल हो स्वादानुसार जोड़ते जाइए, हाँ या ना। सो लिखा हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय स्केलर एडिशन ऑफ द ऑल द पार्टिकल, स्केलर क्यों कहें भैया, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी का स्केलर एडिशन होगा, नहीं तो वेक्टर एडिशन होता, बोलिए सुनो। तो फॉर्मूला माइनस जी बाहर कौन कौन बदलता है, मास और रेडियस, तो जैसे इसका मास एम वन था रेडियस आर वन थी, तो बदल बदल करके सिग्मा लगा के जोड़ते जाइए, ठीक है ना, बाकी न्यूमेरिकल में क्लियर कर दूंगा। ये है, ये जो टेबल है ये टेबल आपको यहां तक तो समझ में आ जाएगी, एक और एक दो, देखिए ये मास एम है आर रेडियस है, मैं बोलूंगा बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है सर जी, अभी तो बताया माइनस जी एम अपॉन आर, खोखला गोला है सर जी, सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, क्या होगा फिर से माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, बोलो हाँ, मैंने कहा रेडियस कम करते 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 कहाँ गए ऊपर, सर जी अभी बताया स्मॉल आर की जगह क्या रख दो कैपिटल आर, इसमें भी रख दो, बोलिए ऐसा नो, है ना। अब स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल यही होता है, स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल यही होता है माइनस जी एम अपॉन आर, बट इस इनसाइड द स्फेयर कौन सा सॉलिड, सॉलिड के अंदर पोटेंशियल बदलता जाता है बच्चों, सॉलिड के अंदर पोटेंशियल ये आता है, तो ये सॉलिड का डायग्राम है। अब ये कैसे आता है ये आप उसमें देखिएगा, अभी मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, बट याद रखिएगा कि होलो के अंदर कांस्टेंट होता है, कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट होता है, यहाँ तक निगेटिव में, बोलो ये सुनो, फिर उसके बाद आर स्क्वायर के वेरिएशन से बढ़ने लगता, आर स्क्वायर के वेरिएशन से बढ़ने लगता। आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें, आप लोग शायद ये पूछना चाहेंगे सर कांस्टेंट क्यों होता है, तो आपको याद होगा V इज इक्वल टू होता है डी ई बाई डी आर, हाँ या ना, उल्टा बोल गया, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, अभी पढ़ाया हूं। ये देखिए I इज इक्वल टू या E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ये सुनो I इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, पक्की बात। अब ये बताओ कि अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है सॉलिड के, सॉरी होलो के, हॉलो के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है जीरो, और इंटेंसिटी जीरो होनी है तो किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, तो अंदर की जो पोटेंशियल होगा उसको क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट, तो अंदर की चीज कांस्टेंट होती है। अब बच्चों कुछ नहीं, अगला है डेरिवेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यूनिट मास को लेके आते थे, किसको लेके आते थे, अब हम मास को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे
मास को। सीधी बात की जाए तो जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, v इज इक्वल टू w बाई m, बोलो हाँ या ना। तो w को निकालना है तो मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं करूंगा, तो w इक्वल टू कितना, m इंटू v, बोलो यस। तो w इक्वल टू छोटा मास इंटू पोटेंशियल, अभी अभी निकलवाया हूँ, कितना होता बोलो, माइनस जी एम अपॉन कितना स्मॉल r, बोलो आंसर कितना, माइनस जी बड़ा वाला मास m छोटा वाला मास स्मॉल m अपॉन कितना r। अब आ गया समझ में, पक्की बात ना। तो सीधे m मास को इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारा काम कर लिया बच्चों हम लोगों ने, ठीक है ना। अब आपको इसके बाद आ जाएगा सीधे सीधे एस्केप वेलोसिटी, अब आप लोग खुद से कीजिए। थैंक यू सो मच।